एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। जब बेबी होता है ना, जब आप जब भी कपल बनेंगे, जब भी आपका बेबी होगा, सो हस्बैंड स्पेशली दे फील अ लॉट नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट टू थ्री मंथ्स, क्योंकि माँ का सारा टाइम बच्चे के लिए होता है। मतलब ऋतु अभी सोई एक घंटे के लिए, बच्चा सारी रात जगाता है, तो जब बच्चा खोता तो माँ सोती, तो आपके लिए टाइम है ही नहीं बीवी के पास। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अब की अपनी दो बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाली जू के आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ, श्रीजी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्रीजी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रभु मैं मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकते बच्चों को, अच्छे अच्छे पैसे मिलते में। ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही, एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। अगर आपके पास ऐसी पर्याप्त संपत्ति है तो फिर कोई किसी से फिर क्या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर आप उनको उनकी योग्यता प्रदान कर सके, इतनी संपत्ति है आपके पास वर्तमान में? हाँ, शायद कर सकते। गौरव तनिजा को तो आप अच्छे से जानते होंगे, एक फेमस यूट्यूबर, और साथ में उनकी जो पत्नी है रितु राठी, उनको भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, वो भी एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं। पर अभी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से एक खबर सामने निकल के आ रही है जिस खबर ने सबको चौंका के रख दिया है। दावा ये हो रहा है कि हाल ही में रितु राठी जो गौरव तनिजा की पत्नी है, उनको प्रेमानंद महाराज जी के पास देखा गया, और दावा हो रहा है कि वहां पर उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जिसके बाद लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि गौरव तनेजा और रितु राठी के बीच में रिश्ता है वो सही नहीं चल रहा है। लोग ऐसा दावा कर रहे हैं अब कि दोनों अलग हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि रितु राठी ने जिस प्रकार सवाल पूछे हैं प्रेमानंद महाराज जी से, वो उन सवालों से साफ साफ बयां हो रहा है कि दोनों के बीच कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें खराब हो चुकी हैं और रिश्ता कहीं ना कहीं बिल्कुल अंतिम चरण पर है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि क्या बोला है इन सब के बीच में रितु राठी ने, एक बार आप ये सुन लीजिए जब वो प्रेमानंद महाराज जी के पास पहुंची है। जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अब की अपनी दो बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाली जू के आश्रित हूं, अलग रहती हूं, श्रीजी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्रीजी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु क्या सब छोड़कर बस श्रीजी के आश्रय जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परीक्षण? नहीं, श्रीजी का अंदर आश्रय रखे, बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे, गृहस्थ हो, गृहस्थ में बच्चों के अधिकार अनुसार उसके पिता से उसकी संपत्ति उनको दिलाए, उन बच्चों की माँ है और उन बच्चों का पिता वो है, तो वो संपत्ति का अधिकार रखती हैं बच्चियाँ, समय आने पर उनको उस अधिकार की प्राप्ति होगी तो वो भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी। माता पिता का जीवन होता है संतान की व्यवस्था के लिए, किसका प्रश्न है? तो आप समझ पा रहे हैं नहीं करे, अंदर से कहीं आश्रय ना छूट जाए इन सब करते। अंदर से आश्रय भगवान का रखिए, बाहर से प्रयत्न कीजिए, आपको ऐसा कुछ लड़ना झगड़ना तो है नहीं। अगर बच्चे थोड़ा सा आने हो तो उनको उनके पिता के हक को दिला दीजिए, क्योंकि आपके पास इतने सामर्थ्य तो दिखाई नहीं दे रही, तो उनके पिता के पास तो संपत्ति होगी ही ना। मैं मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकते बच्चों को, अच्छे अच्छे पैसे मिलते। में ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही, एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। अगर आपके पास ऐसी पर्याप्त संपत्ति है तो फिर कोई किसी से फिर क्या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर आप उनको उनकी योग्यता प्रदान कर सके, इतनी संपत्ति है आपके पास वर्तमान में? हाँ, शायद कर सकते, कर लूंगी। हाँ, तो बस फिर हमें लगता है फिर अगर वो स्वेच्छा से दे दे तो दे दे, नहीं झगड़ा मत करो। और एक माँ आप हो जो आप अपने को बलिदान कर रही हो, बच्चों के लिए मेहनत कर रही हो, अपने सुखों का त्याग कर रही हो, परम पति जब साथ है तो नाशवान पति ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में भी बहुत सवाल उठ रहे होंगे कि आखिरकार गौरव तनेजा और रितु राठी इतने बड़े यूट्यूबर है, इतने फेमस यूट्यूबर है, और कहा जा रहा है कि एक पति पत्नी और दोनों जो उनकी बेटियां हैं इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, पर उन सब के बावजूद आज कहा जा रहा है कि एक ऐसा दिन देखना पड़ेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक वक्त पर हम YouTube चैनल जब उनका देखते हैं तो उस चैनल के अंदर कितना अच्छा परिवार दिखाई देता है, पर कहा जा रहा है कि गौरव तनेजा के एक पोस्ट ने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं और कई सवाल अभी भी पेंडिंग हैं। उनके एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैं अभी चुप हूँ अपने बच्चों और उनकी मम्मी के लिए, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बताया कि ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है अपने पर्सनल लाइफ या अपनी फैमिली मैटर्स को शेयर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो जल्दी सामने आ सकती हैं, पर जैसे ही कहा जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज जी के पास रितु राठी की वो वीडियो देखी गई तो कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पे इतनी तेज़ी से वायरल हुई है जिसके बाद अब सवाल बने हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या सही में गौरव तनेजा और रितु राठी का रिश्ता खराब हो चुका है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप नए हो चैनल पर, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।